अपनी बिरादरी अपने लोग नाम हो रहा हो वहां जाके देंगे लोग। जहां सही सेवा हो रही हो ढूंढिए, वहां जाके अपना सहयोग अपने हाथों से करो, धन से भी तन से भी। हाथ से सेवा की गई बहुत बड़ी सेवा होती है, हाथ से भी सेवा करिए, धन से भी सेवा करिए, मन से भी अच्छा करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिजूल खर्ची गलत चीजों में लगाया हुआ पैसा बाद में भगवान उस तरह से नहीं देता, अन्न को बर्बाद करे। पार्टियों में इतना पैसा, इतना अन्न, इतने खाद्य पदार्थ नष्ट होते हैं, न जानो कितनों का पेट भर जाए। मुझे एक भाटिया जी थे सज्जन, वो बहुत याद आते हैं अभी, जिनको मैं ये देखता था कि जब मैं कह रहा था कि कोई ना कोई सेवा जीवन में जरूर करनी चाहिए, तो उन्होंने एक सेवा हाथ में ली थी। तो हमसे भी वो बोला करते थे, पुराने चप्पल, पुराने कपड़े, बचे हुए साबुन के टुकड़े, टूथपेस्ट जिसमें थोड़ा कुछ बच जाता है, तो वो सब इकट्ठा करके दे दो हमें। वो भर के लेकर जाते थे, और जहां बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने जिंदगी में कभी साबुन से नहीं नहाए, उन्हें वो साबुन के टुकड़े देकर आते थे, चप्पल देकर आते थे, पुराने स्वेटर निकाल दिए किसी ने, कोट निकाल दिए, तो उनको अलग अलग नामों से लोग पहचानते थे। जब वो जाते थे तो लोग अलग अलग ढंग से उनका नाम पुकारते थे, और वो सबको कहते थे अपनी अपनी पसंद का लाइन में बैठ जाओ, ट्राई करते जाओ, जिसको जो कपड़ा आता जाएगा अपना पहनते जाओ, एक को एक मिलेगा, बच्चों को पहले, महिलाओं को बाद में, फिर बूढ़ों को, फिर जवानों को, इस तरह से वो बांटते थे। और फिर जब वापिस आते थे तो मिलने के लिए आते थे, एक पर्ची लिख के देते थे, जब समय हो तो बाहर आ जाना, दर्शन देना, बात करेंगे। जब मैं उनसे मिलता था वो कहते थे मुझे ध्यान करना नहीं आता, पूजा करनी नहीं आती, लेकिन जब मैं ये सेवा करके आता हूँ तो हर रोज सपने में मेरा भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आता है, हर रोज मुझे मिलता है, मेरा रब मुझे दर्शन देता है और कहता है मेरा बच्चा इस धरती पर मेरी सेवा कर रहा है, मैं बहुत खुश हूं, बस इतनी कृपा करिए कि आखिर तक हाथ पांव चलते रहे। जब वो नहीं रहे, आप जानते हैं 50,000 लोग छोड़ने आए थे, विदा देने आए थे उस व्यक्ति को शमशान घाट। अद्भुत व्यक्ति था। तो मैं आपको बता रहा था, ना तो कुरीति पर खर्च करिए, ना अधर्म पर, लेकिन धर्म के कार्य करके देखिए सच्चे दिल से। और सबको कठिनाई आती है, कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, लेकिन मालिक किसी न किसी तरीके से काम फिर बनाता है, काम चलते चले जाते हैं, काम कभी पीछे नहीं रह जाते। आप भरोसा करें भगवान पर, वो आपको किसी भी तरह कमी नहीं होने देगा, लेकिन अपना फर्ज निभाने में कमी मत रखना, बस इसे जरूर ध्यान में रखिए। और चौथा संयम माना जाता है विचारों का संयम। विचारों का संयम से मतलब यह है कि आप पहरेदार बनो कि आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार जा रहे हैं बार बार। अगर गलत विचार जा रहे हैं तो तुरंत बाहर का बाहर करो, ये मैं नहीं सोच सकता, गलत चीज मैं नहीं सोच सकता, गलत चीज मैं नहीं करूंगा। अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये अगर आपके मस्तिष्क में बार बार आप इस बात को ध्यान देते हैं तो कल्याण होगा। ये गलत विचार जो है शुरुआत में आपको ऐसे लगते हैं भीड़ है, आ रही है, जा रही है, लेकिन अगर वो टिक गए तो थोड़ी देर के बाद अपना प्रभाव छोड़ेंगे। एक बात मानी जाती है, आपका पूरा जीवन
आदतों पर निर्भर है और आदतों के माध्यम से आपकी पहचान होती है। बड़ा तनक मिजाज है, बड़ा गुस्से वाला आदमी है, बड़ा लालची टाइप का आदमी है, बड़ा धोखेबाज आदमी है, अलग अलग जैसी जिसकी ज्यादा आदत पड़ जाती है वो नाम पड़ जाता आप। नहीं, भला आदमी, बर्दाश्त करने वाला आदमी है, मिलनसार आदमी है, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, निंदा चुगली में नहीं पड़ता, भगवान को मानने वाला आदमी, प्रेम वाला आदमी, ये भी एक स्वभाव है। तो कुछ अच्छी आदतों का निर्माण 21 दिन अभ्यास करिए। 21 दिन अभ्यास करने के बाद आपका मस्तिष्क तैयार हो जाएगा 3 हफ्तों के लिए। किसी एक अच्छी आदत को 3 हफ्ते तक लगातार कोशिश कीजिए, उसके बाद वो जो आदत बन जाती है फिर ऐसे जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं आसमान में, जो मतलब सैटेलाइट या किसी ग्रह के लिए, तो शुरुआत में उनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत खर्च हो जाती है और बाद में आसान हो जाता है जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाते हैं। ऐसे ही 21 दिन तक आपको गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशन वाला जो फील्ड है, उसे पार करने में आपको समय लगता है। उसके बाद आपकी जिंदगी आसान होने लग जाती है। अच्छी आदतें गिन गिन के जोड़िए। खुश रहना, शांत रहना, 3 सप्ताह के लिए आप मान लीजिए खुश रहूंगा कुछ भी हो जाए, तो आप रोज 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 अभ्यास करो खुश रहना, लिख करके लगा लीजिए, बिना बात के भी खुश रहेंगे, धन्यवाद देते हुए चलेंगे, बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा करके मानेंगे, मतलब जो चीजें आपको उदास करती हैं, पानी ज्यादा पिएंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, एक ऐसा अभ्यास आप 21 दिन तक खुश रहना है। और हंसने की जितनी भी बातें हो सकती हैं सब आप अपने साथ जोड़ते चले जाओ, सारी चीजें आपको हंसना ही है। और जब जब आप जो है अपने मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, शीशे में चेहरा देखते हैं, एक बार अपना चेहरा देख करके मुस्कुराओ, थोड़ा मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके हंसो थोड़ी देर के लिए, हंसने की आदत डालिए। जितना आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे 20-21 दिन का अभ्यास कर लीजिए, वो प्रैक्टिस होते ही आगे आसान हो जाएगा हंसना मुस्कुराना, और फिर वो चीज आपकी जिंदगी में लगातार जुड़ जाएगी लगातार। और अगर आप हंसना मुस्कुराना अपना स्वभाव बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूं कि हम खुशी को बुलाते हैं, खुशी कहती है मैं आना चाहती हूं, मेरे लिए द्वार खोलो। कैसे द्वार खोले, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। व्यक्ति कहता है मैं अंदर से खुश हूं तो बाहर से मुस्कुराऊं, शब्दों पर ध्यान देना, मैं अंदर से खुश हूं तो बाहर से मुस्कुराऊं, खुशी कहती है तुम मुस्कुराए तो मैं दिल में आऊं। अगर तुम मुस्कुराने की आदत डालोगे तो तुम्हारे दिल में लगातार के लिए, सदा के लिए, बसने के लिए खुशी कहती है मैं आकर बैठ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम ये कहोगे मुस्कुराऊंगा तो तभी जब खुश तो हूं, अंदर से खुशी तो हो, जब अंदर परेशानियां हैं तो कैसे मुस्कुराऊं। लेकिन खुशी कहती है सदा के लिए अंदर बैठ जाऊंगी, लेकिन कुछ दिन मुस्कुराने की आदत डाल लो। अगर 21 दिन आपने आदत डाल ली तो खुशी आपके अंदर लगातार आकर बैठ जाएगी, 21 महीनों तक के लिए बैठ जाएगी। और अगर 21 महीनों तक लगातार मुस्कुराते रहे तो 21 साल तक आपकी जिंदगी में खुशी अंदर बैठ जाएगी। और अगर आप लगातार खुश रहने, मुस्कुराने की आदत डाल लोगे तो जिंदगी भर आपके अंदर खुशी आकर बैठ जाएगी। तो आज से यह आदत डालिए, बिना बात के,
ब्राजील का वो बहुत बड़ा चिंतक पावलो, उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटे से बच्चे को देखिए, तीन ही तो बातें अद्भुत हैं उसके पास, बिना बात के खुश रहना, मुस्कराना, जी भर के हंसना, बिना बात के, बिना कारण के। तो बिना कारण के तुम भी जी भर के हंसना सीख जाओ, तुम्हारी जिंदगी कीमती हो जाएगी। और कहता है बिना किसी के दिए भी बताए भी बच्चा इतना व्यस्त रहता, बिजी रहता है, इतनी तेजी से, उसको किसी ने काम नहीं दे रखा कि तूने बिजी रहना, बस तुम भी ऐसे ही बिजी रहना। और कहता है कि जितनी शिद्दत से और ताकत से बच्चा अपनी मनचाही चीज को मांगता है, ऐसे तुम भी ब्रह्मांड से मनचाही चीज को मांगने वाले बन जाओ, भगवान देने वाला बनेगा, जरूर मिलेगा तुम। तो अब जल्दी से श्लोक पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैया विश्य मनो ये, जो लोग मुझ में मन को स्थिर करना जान गए, जिनका मन मुझ में टिका रहता है, जो देगा जैसे रखेगा, जिस हाल में रखेगा, जो दिया है, जो अब तक संभाला है, सबके प्रति धन्यवाद करते हुए, जिसका मन मुझ में स्थिर है और नित्य युक्ता उपासते, ये माम, जो मुझे नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रति मेरा भजन करते हैं, अहिर निश रात दिन क्षण क्षण में अपने प्यारे प्रभु को स्मरण करने वाले लोग। मतलब अपने ऑफिस में आप जाकर बैठे तो जहां से आपके दिन की शुरुआत हुई, सुबह उठे, आंख खोली, उस रब को धन्यवाद जिसने आज का दिन दिया, आज की जिंदगी दी, आज का भोजन पानी दिया, आज का अवसर दिया, अब तक की सारी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बार बार धन्यवाद प्रणाम, यहां से शुरुआत करें। भोजन आया, भोजन को देखकर धन्यवाद करो, तेरी कृपा है प्रभु, ये भोजन मुझे मिल रहा है, न जाने कितने लोग हैं जिसके लिए तरसते हैं, इस नौकरी के लिए धन्यवाद, जिस जगह में बैठा हूं तेरी मेहर है, नहीं तो कितने लोग आज भी लाइन में लगे हुए हैं नौकरी मिल जाए। हर स्थिति में धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो नित्य ध्यान मग्न है, कृष्ण कहते हैं सतत जिनका मेरी तरफ ध्यान है, और श्रद्धया परियोपेतास्ते, जिनकी श्रद्धा बड़ी भारी है, मतलब कुछ तो ये सोचते हैं कि चलिए पता कर लेते हैं कौन सा मंदिर आजकल ज्यादा पावरफुल हो गया है, कहाँ कामना जल्दी पूरी होती है, बस वहाँ अपने एक डिमांड लिस्ट लेकर के जाते हैं। कोई सोचता है कि तिरुपति चले जाएं, किसी को पता लगता है कि नहीं है वैष्णो देवी ठीक है, और जो दोनों जगह होके आ गया और फिर किसी ने कहा कि कितनी बार आए, बोले दो दो बार तो आ ही गए लेकिन बात नहीं बनी अभी, बोले फिर शिरडी और ट्राई करके देख लो, तो आदमी चक्कर काटता फिरता है। भगवान कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, कम ज्यादा आपकी श्रद्धा होती है, जहां श्रद्धा पूरी हो गई वहां कृपा भी पूरी हो गई, और जहां श्रद्धा नहीं रही वहां कृपा नहीं होगी। इसलिए घर के आंगन में बैठकर भी भजन करोगे लेकिन श्रद्धा से करोगे, मेहरबानी उसकी वहीं पर हो जाएगी, वहीं उसकी रहमत बरसने लग जाएगी। कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा से, परम निष्ठा से, श्रद्धया परियोपेतास्ते,
जो श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, युक्त तमा मता, मैं उनको ज्यादा जुड़ा हुआ मानता हूं, वो मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो अभी तो इतना ही अर्थ समझ लीजिए आप। अब मैं चलता हूं आगे, लेकिन घड़ी देख लेता हूं। तो घड़ी देखी तो समझ में आया, कहानी तो खत्म हो गई, टाइम तो पूरा हो गया, तो बाकी उदार रहा। तो इसलिए भक्त कबीर ने जो कहा, कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती। जब तक ये दिया जल रहा है अंदर, प्राण की रोशनी हो रही है, तेल घटे बाती बुझे, सोवेगा दिन राती। बाद में तो दिन रात सोता ही रह जाएगा, मतलब मिट्टी के अंदर, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा तन। इसलिए जब तक जिंदगी है, उस प्यारे का नाम जपना शुरू करो। कबीरा हरि हरि सिमर ले, प्राण जाएंगे छूट और घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। बड़ी प्यारी बात कह दी, ये कह दिया कि भगवान का नाम सिमर लीजिए, बाद में जब प्राण छूट जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जाएगा साथ तो ये परमात्मा का नाम जाएगा। बाकी तो ये जो है आखिरी यात्रा जब होगी ना, जब शरीर छूटेगा, तो सबसे पहले लूटेंगे कौन, तुम्हारे अपने ही लोग। अंगूठियां निकाल लेंगे, गले का हार निकाल लेंगे, और जो पॉकेट में चाबी पड़ी है तिजोरी की वो भी निकाल लेंगे, और जो तुम्हारे कपड़े हैं कीमती वो भी निकाल कर बिना सिले कपड़ों का कफन देकर विदाई दे देंगे। इसलिए उसका नाम सिमरो, जो दौलत बनेगा इस लोक में भी और परलोक में भी, उस प्यारे के नाम के साथ ही कल्याण होगा। इसलिए कहा नाम सिमरो, नाम जपो, उसी से कल्याण होगा। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय, और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0111-4710-4610-28-34-5656 और 2834-4767, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड,
बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली